ऑपरेशन भरोसा के तहत गुम हो गए मोबाइल फोन्स को पुलिस ने किया बरामद। कुल 67 मोबाइलों को बरामद करते हुए पुलिस ने उसके असली मालिकों को लौटा दिया। एसपी मनोज रत्न चौथे के मुताबिक इससे पहले भी गुम हुए 100 मोबाइलों को पुलिस ने ट्रैक करते हुए बरामद कर लिया था, जिन्हें उसके वास्तविक मालिकों को लौटा दिया गया था। खबरें हजारीबाग के लिए हमारे संवाददाता सोनू केसरी की रिपोर्ट। कब खोया था आपको मोबाइल? इसी महीने 2022 में। इधर से आगे खींचिए, मम्मी है आप इनकी? नहीं तो बढ़िया से पीछे का माहौल है, ऐसे खींचना था ना, सब बहुत डांट पड़ा होगा जब चोरी हुआ होगा तो। मोबाइल आज मिल गया, आज पांच रोटी भी चलेगा। आदमी को सब खाना मिला ना मिला, मोबाइल मिलना जरूरी है। हजारीबाग पुलिस द्वारा 2021 से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम हम लोगों ने अभियान भरोसा या ऑपरेशन भरोसा दिया है। इस अभियान के तहत हम लोगों ने जो आम लोगों के मोबाइल गुम हो जाते हैं, उन मोबाइल्स को ट्रैक करके, उनको रिकवर करके, उनके जो ओरिजिनल मालिक है, ओनर से, उनको हस्तगत कराने का ये ऑपरेशन था। इसके तहत पहले दो चरणों में हम लोगों ने 100 से अधिक मोबाइल्स को रिकवर करके उनके ओरिजिनल ओनर्स को हस्तांतरित किया है। उन मोबाइल्स की कीमत करीब 20 लाख से ऊपर थी। आज जो तृतीय चरण है, उसके तहत हम लोगों ने कुल 67 मोबाइल बरामद किए हैं, जो मुख्य रूप से पिछले साल जनवरी से दिसंबर 2022 तक गुम हुए थे। उनको हम लोगों ने ट्रैक किया है और वैसे ट्रैक किए मोबाइल में से 67 मोबाइल्स को हम लोग रिकवर करने में सफल हुए हैं। इन मोबाइल्स की जो कीमत है वो करीब 10.5 लाख के आसपास है, और इसमें जो मोबाइल है वो अधिक से अधिक कीमत वाला मोबाइल करीब 40,000 रुपये का बताया गया है। जब हम लोगों ने ओनर्स को ये मोबाइल दिए है, एक काफ़ी खुशी का माहौल, एक काफ़ी खुशी उनके चेहरे पर हम लोग देख सकते हैं। और हम लोगों ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन भरोसा इसलिए भी दिया है कि जनरली जब मोबाइल खो जाता है या किसी के घर में चोरी हो जाती है या किसी तरह का इस तरह की घटना हो जाती है, तो लोगों को लगता है कि अब मेरा सामान संभवतः वापस नहीं मिलेगा। परंतु पुलिस ने, हमारी टेक्निकल टीम ने, साइबर सेल के जो प्रभारी DSP आरिफ इकराम साहब ने, ये एक अच्छा पहल करते हुए अब तक करीब 125 मोबाइल तीन चरणों में हम लोगों ने लोगों को रिकवर करके वापस दिए है। तो उससे कहीं ना कहीं लोगों का पुलिस के ऊपर जो भरोसा है, पुलिस की एक हमेशा निगेटिव इमेज लोग मन में लेकर के जो चलते हैं, उसको साफ करने में हम लोग को सहूलियत होगी। पुलिस के ऊपर का जो भरोसा है वो मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं हमें मदद होगी, ये मुझे लगता है। इसीलिए इस पूरे ऑपरेशन का नाम हम लोगों ने ऑपरेशन भरोसा दिया है। और इस तरह के जो ऑपरेशन है, इस तरह के जो मोबाइल रिकवरी के जो कार्यक्रम है, वो आगे भी भविष्य में चलते रहेंगे। चूँकि आजकल के ज़माने में मोबाइल एक ऐसी चीज़ हो गई है कि हर किसी व्यक्ति के पास कम से कम एक मोबाइल होता है, कुछ लोगों के पास कभी दो, कभी तीन भी मोबाइल होते हैं, और अक्सर मोबाइल गुम हो जाने की शिकायतें हम लोग को प्राप्त होती है। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, आगे भी इस तरह के ऑपरेशन भरोसा के तहत हम लोग कार्यक्रम करते रहेंगे। जिनके मोबाइल खोए गए हैं या गुम हुए हैं, उनको हम लोग रिकवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही क्या डॉक्टर है आप? PhD है या MBBS है? एक्चुअली मैंने डेंटिस्ट्री किया है, BDS MSc इन एनाटॉमी है। आई एम अ लेक्चरर इन ह्यूमन एनाटॉमी डेंटल कॉलेज। अच्छा, इसके आप हजारीबाग डेंटल कॉलेज में? चलिए, बहुत अच्छा। कब खोया था डॉक्टर साहब आपका मोबाइल? 27 जुलाई 2022। अच्छा, 7 महीना हो गया। चलिए, जिस हालत में था ये स्क्रीन, ऐसे टूटा हुआ था या? चलिए, वो ऊपर वाला स्क्रीन है, वो तो चेंज हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। वो हमको लगता है स्क्रीन गार्ड जो है वो टूटा हुआ है। नहीं, बन जाएगा, सुसान्ता है।